are going to start a differentiability of function of two variables, that is f of x, y. सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है. ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विद डोमेन डोमेन ऑफ एफ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इफ इन अ नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए कोमा बी माइनस के एफ आई एट एट ए कोमा बी इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस के ऑफ एप्सिलॉन टू वेयर एप्सिलॉन वन कोमा एप्सिलॉन टू टेन टू जीरो एज एच कोमा के टेन टू जीरो इंडिपेंडेंटली. इसमें हो क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है जो क्या रिप्रेजेंट करे इन द फॉर्म ऑफ विद द नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी देन हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए कोमा बी पर. अब उसको जो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए कोमा बी माइनस के एफ ऑफ वाई ए कोमा बी इक्वल टू एच एफ साइलेंट वन प्लस के एफ साइलेंट टू. यहाँ पर हमें बस इसके इक्वल जो हमें प्रूफ करना है इसको, यहाँ से हम क्या करेंगे एफ साइलेंट वन और एफ साइलेंट टू की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. हमें एच और के अगर हमें ऐसे एफ साइलेंट वन एफ साइलेंट टू फाइंड आउट करने अगर हम जो एच और के को टेन टू जीरो करें लिमिट देन हमारे पास जो एफ साइलेंट वन एफ साइलेंट टू भी टेन टू जीरो हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल है. ठीक है, और यहाँ पर जो दोनों को एच और के दोनों को टेन टू जीरो करने की ज़रूरत नहीं है. एक दोनों में से एक भी अगर टेन टू जीरो करें तो हमारे पास जो वैल्यूज है जीरो आनी चाहिए तो हम उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे. इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि दोनों को ज़रूरत नहीं कि दोनों को टेन टू जीरो करना पड़े, एक को भी करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए. अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई का मोड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0 बट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज कंटिन्यूस एट 0,0 एंड बोथ एफ एक्स कोमा एक्स वाई एग्जिस्ट एट ओरिजिन एंड हैव द वैल्यू जीरो. इसमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या, फंक्शन एक्स ऑफ वाई का क्या है अंडर रूट एक्स वाई का मोड. ठीक है, तो हम इसको प्रूफ इसमें प्रूफ क्या क्या करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है 0,0 पर और कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है इसके 0,0 पर और क्या प्रूफ करना है कि एफ आई मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट कर रहा है उस रीजन पर. ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू जो है जीरो है. अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे. कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या चाहिए, फंक्शन. फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का मोड. तो यहाँ पर हमें प्रूफ की कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर करनी है, ओरिजिन पर करनी है 0,0 पर. तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर 0,0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो पूरे का पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा, क्योंकि अगर इसका जीरो का मोड भी करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा. देयरफॉर एफ ऑफ 0,0 इक्वल टू जीरो हो गया. अब हम क्या करेंगे, नाउ लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माई इक्वल टू किसके हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0,0 यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई की हम वैल्यू जो है पुट कर देंगे, क्या है हमारे पास अंडर रूट एक्स वाई का मोड. तो यहाँ पर अगर हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 0,0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एक्स और वाई की लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो ही बनेगा. तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा. और इसको कैसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0,0 के. ठीक है, इसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी थी हमें. तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूड एट 0,0. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया कि हमारे पास जीरो आंसर आ गया. तो जीरो पर ही इम्प्रूव करना था. तो सेकंड है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है. अब हम पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है फर्स्ट लेक्चर में, आप देख लेना इससे पहले वाले लेक्चर में. अब हम उसको जो इसका फाइंड आउट कर दिया है. तो एफ ऑफ एक्स 0,0 इक्वल टू किसके हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच. अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो चेंजेस भी किस में होंगे, तो एक्स में ही होंगी. और लिमिट जो है एच के अप्रोचेस टू 0, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास ए कोमा वी हो तो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो हम क्या लेते हैं, एच नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं. तो यहाँ पर इसलिए हमने एच अप्रोचेस टू 0 किया. और चेंजेस किस में की, एक्स में की, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन हो रहा है. बाकी आपको जो फर्स्ट मेरा पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर है उसको देखकर आपको जो है समझ में आ जाएगा.
माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ यहाँ पर 0 प्लस एच करेंगे तो हमारे पास बन गया एच 0 एज इट इज, एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब हम जो है फंक्शन एच कॉमा 0, अगर यहाँ पर हम एक्स की जगह एच रखते हैं, वाई की जगह 0 रखते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंदर एच इंटू 0, 0 को एच से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही बन जाएगा, तो 0 का मोड क्या होगा, 0, तो यहाँ पर 0 आ गया माइनस एफ ऑफ 0,0 के लिए हमें पता है कि ऑलरेडी 0 हम डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पर, तो 0 आ गया, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं 0,0 के लिए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के। अब विद रिस्पेक्ट वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज किस में आएगा, वाई में आएगा चेंज, तो हमने यहाँ पर 0 प्लस के कर लिया। हमें पता है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं और कोई पॉइंट हमारे पास ए कोमा वी दिया हो तो हम के नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट में हमने क्या किया, के अप्रोचेस टू 0 लगा दिया, तो यहाँ पर चेंजेस में भी 0 प्लस के कर दिया, तो ये उसके इक्वल हो जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0,k, यहाँ पर 0 0 प्लस के करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 0,0 एज इट इज़ अपॉन के। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, अगर हम एफ ऑफ 0,k पुट करेंगे, अब अगर हम एफ ऑफ 0,k यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 0,k करेंगे तो 0 को k से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, और एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू तो हमें पता है कि ऑलरेडी 0 ही है, तो यहाँ पर हम वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 0 माइनस 0 अपॉन के एज इट इज़ इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। देयर फॉर एफ ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई एग्जिस्ट एट 0,0 एंड द वैल्यू ऑफ 0, तो यहाँ पर हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू वाई था वो एग्जिस्ट कर गया 0,0 पर एंड द वैल्यू 0 पर। हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि दोनों की वैल्यू जो 0 आनी चाहिए, हर एक की वैल्यू हमें 0 पर जो प्रूफ करनी है, 0,0 पर चेक करना है, और उसका अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशियबिलिटी की, वी नो डैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज डिफ्रेंशियबल एट 0,0। हमने जो उसकी डेफिनेशन की थी डिफ्रेंशियबिलिटी की, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, हमने इसमें क्या लिखा था, वी नो डैट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफ्रेंशियबल एट 0,0 पर, जो एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का डिफ्रेंशियबल होता है। इफ़ एफ ऑफ 0,0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस एच एफ एक्स 0,0 माइनस के एट एफ ऑफ वाई 0,0 इक्वल टू हो जाए एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एच ऑफ एप्सिलॉन 2 के, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरी की पूरी डेफिनेशन अप्लाई कर दी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज एच कॉमा के अप्रोचेस टू 0 इंडिपेंडेंटली। हमें उसमें क्या पता था कि अगर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 होते हैं, अगर हम जो एच के ये जो लिमिट है अप्रोचेस टू 0 करते हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की भी लिमिट 0 करते हैं तो हमारे पास जो है टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास जो पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, डिफ्रेंशिएबल हो जाएगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ अब हम यहाँ से जो है यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 प्लस एच करेंगे तो एच बन गया, 0 प्लस के किया तो के, तो एफ ऑफ एच कोमा के माइनस माइनस एफ ऑफ 0,0 एज इट इज़ माइनस एच ऑफ एफ एक्स एट 0,0 माइनस के एफ ऑफ वाई 0,0 इक्वल टू इसके हो गया एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एच ऑफ के ऑफ एप्सिलॉन 2 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज़ इफ़ अंडर रूट एच के का मोड आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या है एक्स वाई की जगह एच के पुट कर देंगे। हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, यही था एक्स वाई का मोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह पर जो एच के पुट करेंगे, यहाँ पर एच के पुट किया तो यहाँ पर भी एच के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट एच के का मोड। तो यहाँ पर अंडर रूट एच के का मोड आ गया माइनस एफ ऑफ 0,0 पर, तो हमें पता था क्या होता है 0 माइनस एच एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 0,0 पर निकाल ली थी, हमारे पास क्या आई थी 0 और माइनस के एज इट इज़, तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने 0,0 पर निकाला था वो किसके इक्वल था 0 के, तो ये किसके इक्वल हम रखेंगे एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2 के। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये वाला फंक्शन भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास बचा क्या, दैट इज इफ अंडर रूट एच के का मोड इक्वल टू किसके हो गया एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2 के। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास ना तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आएगी ना तो एप्सिलॉन 2 की, तो हम इसको थोड़ा सा जो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, तो दैट इज़ इफ एच यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर को बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर अगर हम एच स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाहर एच आएगा, और अगर एच स्क्वायर को निकाला यहाँ पर तो एच है, तो हम इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे एच के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट के अपॉन एच का मोड, और साथ में क्या आ गया एच, तो ये किसके हो गया एच अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2 के।
दैट इज इफ एच अंडर रूट के अपॉन एच का मोड प्लस, अगर हम यहाँ पर के की प्रोडक्ट जीरो के साथ कर लें तो मतलब जीरो ही बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के डॉट जीरो इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस के ऑफ एप्सिलॉन टू। हमने यहाँ पर के क्यों लिखा, क्योंकि हमें एप्सिलॉन टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन वन एच के साथ क्या लिखा हुआ है, वो एप्सिलॉन वन की वैल्यू होगी, और के साथ जो लिखा हुआ वो एप्सिलॉन टू की। तो एप्सिलॉन वन की वैल्यू होगी हमारे पास अंडर रूट के अपॉन एच का मोड एंड एप्सिलॉन टू की होगी इक्वल टू जीरो। नाउ एज एच कोमा के अप्रोचेज टू जीरो दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन वन डज नॉट टेंड टू जीरो। अब हमने जो लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे, अगर एप्सिलॉन वन पर हम एच कोमा के की जो लिमिट अप्लाई करते हैं जीरो, तो हमारे पास क्या बनेगा, जीरो पॉइंट जीरो की जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी। तो वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है, तो ये किसके इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन वन डज नॉट टेंड टू जीरो, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन टू नॉट इक्वल टू जीरो है, बट हमें एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू दोनों की वैल्यू जो इक्वल टू जीरो चाहिए थी। तो देयरफॉर हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। तो ये हमारे पास ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि हमारे पास जो एप्सिलॉन वन नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। क्या इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, इनफिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो एंड एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो शो डैट एफ इज कंटिन्यूस एट जीरो कॉमा जीरो एंड बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट बट एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो कॉमा जीरो। अब हमें फंक्शन दिया गया और बोला गया कि जो एक्स वाई है नॉट इक्वल टू जीरो जीरो है एंड एफ ऑफ जीरो जीरो की वैल्यू हमें दे दी है जीरो। शो क्या करना है हमें कि एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पर एंड बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई मतलब कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई जो पार्शियल डेरिवेटिव है एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड हमें फाइंड करना है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो कॉमा जीरो की ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो कॉमा जीरो पर, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कॉन्टीन्यूटी। तो कॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं। हम हेयर एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ है एंड फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स वाई पर एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पर सब पहले तो हमारे पास था जो अंडर रूट एक्स वाई का मोड था, उसमें जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो हमने सिंपली उस पर लिमिट पुट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, तो हमारे जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं फॉर्म जो शो कर पाएंगे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू जीरो कोमा जीरो अलॉन्ग एनी लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर हम वाई को एम एक्स पुट कर लेते हैं, एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो अलॉन्ग एनी लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। देयरफॉर लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं फंक्शन पर जीरो कोमा जीरो इक्वल टू किसके हो जाएगा, लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू जीरो कोमा जीरो। यहाँ पर हमने फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वैल्यू लिख दी है, हमारे पास क्या थी एक्स ऑफ वाई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये किसके दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर हम वाई की वैल्यू लिख देते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स, हमने जो माना है ना लॉन्ग एनी लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया एक्स एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो यहाँ पर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया एम एक्स स्क्वायर अपॉन। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर जो बाहर निकाल सकते हैं कॉमन है बाहर निकालिए, अंदर के बच जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर, तो एक्स आएगा बाहर क्योंकि अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो अंदर के बच गया वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एम एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया एम एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर हम इसकी लिमिट लगा देंगे एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एक्स अप्रोचेस टू जीरो जो एक्स है यहाँ पर सिर्फ न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में तो नहीं है, कि अगर हम एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है एम यहाँ पर अगर जीरो कैसे बनेगा अगर हम एम स्क्वायर को माइनस वन पुट करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर एम क्या है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो हमारे पास जो जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो बन गया तो हमारे पास जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन जाएगी, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो वही हमारे पास जीरो बनेगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू जीरो क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो जीरो बन जाएगा फॉर ऑल एम के लिए, एम की वैल्यू माइनस से वन के अलावा कोई भी हो तो वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पर ये हमारा फंक्शन पूरे का पूरा जीरो ही बनेगा, ठीक। देयर फॉर लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू जीरो कोमा जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू जीरो कोमा जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो जीरो के, ठीक है। देयर फॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन जीरो कोमा जीरो। सो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया, कहाँ पर ओरिजन पर।
सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, एफ एक्स पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं 0,0 के लिए। तो वो किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच। हमें पता है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो चेंजेस भी किस में होंगी, एच में होंगी, ठीक है। तो लिमिट भी एच में जो अप्रोचेस करेगी 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया ये वाला फंक्शन। सो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा एच कोमा 0 एज इट इज आ गया, माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच। किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0। अब यो हम यहाँ पर एच कोमा 0, एक्स वाई की जगह हम एच कोमा 0 अगर पुट कर दें फंक्शन में तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर अगर हम एच कोमा 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू एच, वाई की वैल्यू 0, तो अगर एच को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। यहाँ पर तो अगर एच प्लस 0 करेंगे तो एच ही बनेगा, तो 0 पॉइंट एच इक्वल टू 0 ही होगा, इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही, तो इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एच कोमा 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, माइनस एफ ऑफ 0 0 0,0 के लिए तो हमें पता ही कि 0 अपॉन एच एज इट इज इक्वल टू, लिमिट अगर हम एच प्रोसेस टू 0 करेंगे तो हमारे पास आ गया 0। सो सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करते हैं 0,0 के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के। तो यहाँ पर क्या है, के में चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम वाई के लिए करते हैं तो के वाई में चेंजेस होंगी क्या, और लिमिट किस में लगेगी, के अप्रोचेस टू 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट के अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर अगर हम यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 0,k माइनस एफ ऑफ 0,0, तो एफ ऑफ 0,k। अगर हम फंक्शन में एक्स और वाई की जगह 0,k पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें वाई की वैल्यू k, तो हमारे पास बनेगा 0 × k अपॉन 0 + k, मतलब कि 0 × k 0 0 × k बन जाएगा, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। सो यहाँ पर हमारे पास बन गया 0, और माइनस एफ ऑफ 0,0 के लिए तो हमें पता है कि क्या होता है, 0 अपॉन के एज इट इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर ना भी करेंगे तो भी हमारे पास 0 अपॉन के की वैल्यू 0 ही आएगी। देयरफॉर एफ एक्स कोमा एफ वाई एग्जिस्ट एट 0,0 एंड द वैल्यू ऑफ 0, यहाँ पर क्या है, ये दोनों वैल्यू जो एग्जिस्ट कर गई क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 आ गई है। थर्ड हमें फाइंड करना है डिफ्रेंशिएबिलिटी। डिफ्रेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें डेफिनेशन पता है इसकी क्या होती है, वी नो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफ्रेंशिएबल एट 0,0 इफ एफ ऑफ फंक्शन जो हमारा एक्स वाई पॉइंट पर, तब डिफ्रेंशिएबल होता, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई जो एक्स वाई का जो फंक्शन है हमारे पास, तब डिफ्रेंशिएबल होता है जब 0,0 पर इफ 0 + h,0 के माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस एच ऑफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स 0,0 माइनस के इंटू एफ ऑफ वाई 0,0 इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2 वेयर एप्सिलॉन 1,  एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 इंडिपेंडेंटली। अगर एच जो के है अप्रोचेस टू 0 करते हैं तो हमारे पास जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू भी क्या है, अप्रोचेस टू 0 हो जाती है। सो जो हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है 0,0 के लिए। अब दैट इज इफ एफ ऑफ एच कोमा के, यहाँ पर 0 + h हो जाएगा एच, 0 + k हो जाएगा के, माइनस एफ ऑफ 0,0 एज इट इज माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स 0,0 एज इट इज माइनस के ऑफ एफ ऑफ वाई 0,0 एज इट इज़ इक्वल टू किसके हो गया, एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2, ठीक है। दैट इज़ इफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले एच कोमा के को एक्स वाई की जगह पर एक्स फंक्शन में हम एक्स वाई को एच के पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास आएगा एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ इफ एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आपको पता चल गया कहाँ से आया, माइनस एफ ऑफ 0,0 के लिए हमें पता है कि क्या होता है, 0 माइनस एज इट इज एच एज इट इज एफ ऑफ एक्स के लिए 0,0 के लिए हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 0 आई थी वैल्यू, ठीक है फंक्शन की। तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दी, माइनस के एज इट इज एफ ऑफ वाई की विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम 0,0 पॉइंट पर कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 आ रहा था, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2 एज इट इज। दैट इज इफ एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू, यहाँ पर 0 बन गया, जे भी 0 बन गया, जे भी 0 बन गया, इक्वल टू क्या बच गया, एच ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस के ऑफ एप्सिलॉन 2 के, एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 लॉन्ग लाइन के इक्वल टू एम एच। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो हमारे पास जो था न्यूमिनेटर में ही था, तो हमने सिंपली जो एच जो के की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर तो जो डिनोमिनेटर में आ गया, और हम क्या है यहाँ से ना तो एच के एप्सिलॉन 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना तो एप्सिलॉन 2 की। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास जो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेट एच कोमा के अप्रोचेस टू 0,0 लॉन्ग लाइन के इक्वल टू एम एच। दैट इज इफ, यहाँ पर अगर के इक्वल टू एम एच इंटू एम एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू हो गया एच एप्सिलॉन 1 प्लस एम एच एप्सिलॉन 2, यहाँ पर भी हमने के की जगह एम एच पुट कर दिया। तो दैट इज इफ
यहाँ से हमारे पास आ गया एम एच को एच से किया एच स्केयर अपॉन, यहाँ से हम एच स्केयर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बाहर क्या आएगा एच, क्योंकि अंडर रूट है एच स्केयर के, अंडर रूट एच बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस एम स्केयर इक्वल टू हो गया। यहाँ से भी हम एच कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा एप्सिलॉन वन प्लस एम इंटू एप्सिलॉन टू। तो दैट इज़ इफ यहाँ पर एच स्केयर है तो यहाँ पर एच, तो यहाँ से एक पावर एक कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा एम एच अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्केयर इक्वल टू एच एप्सिलॉन वन प्लस एम इंटू एप्सिलॉन टू। दैट इज़ इफ़ यहाँ पर जो एच से वाला भी कैंसिल हो जाएगा तो एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन वन प्लस एम इंटू एप्सिलॉन टू। ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इफ़ लिमिट एच प्रोड्यूस टू जीरो एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच प्रोड्यूस टू जीरो एप्सिलॉन वन प्लस एम लिमिट एच प्रोड्यूस टू जीरो एम एप्सिलॉन टू। अब हमें पता था कि अगर इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू की वैल्यू जो है नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हमने क्या किया इस पर जो लिमिट इक्वल टू में ही लिमिट लगा दी इस पर, ताकि हमारे पास जो इजी हो जाएगा। अगर हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये फंक्शन तो हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एच नहीं है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन वन पर हमने डिस्कस किया था ना कि वेयर एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो एज एप्सिलॉन वन कॉमा एप्सिलॉन टू टेंड्स टू जीरो, सो यहाँ पर अगर एच कॉमा के एप्सिलॉन टू जीरो हमने एच जो प्रोजेक्ट टू जीरो किया तो साइन भी हमारा जो जीरो हो जाएगा, प्लस एम इंटू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एप्सिलॉन टू पर था, अगर एच अप्रोच टू जीरो तो एप्सिलॉन टू भी जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर दैट इज़ इफ़ एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया जीरो प्लस जीरो। दैट इज़ इफ़ एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो हो गया जीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एवरी वैल्यू ऑफ एम, यहाँ एक वैल्यू को छोड़कर जीरो, अगर हम यहाँ पर जीरो पुट जीरो बन जाएगा, ओनली जीरो वैल्यू को छोड़कर जो हमारा वो फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू के लिए जो जीरो नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब कि नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, सो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए एम के जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो हैंस एफ ऑफ एक्स वाई इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल एट जीरो कॉमा जीरो, तो जो हमारा फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इज डिफ्रेंशिएबल एट पॉइंट फाइव ओवर फोर कॉमा फाइव ओवर फोर। अब हमें फंक्शन दे दिया कोज एक्स प्लस वाई और डिफ्रेंशिएबिलिटी पूछिए सिर्फ किस पॉइंट पर फाइव फोर फोर माइ कोमा फाइव पॉइंट फोर, मतलब एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर फाइव पॉइंट फोर है और वाई की वैल्यू भी फाइव पॉइंट फोर है। सो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ, देन हम उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएबिलिटी की क्या होती है। अभी नो डैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज डिफ्रेंशिएबल एट, अब वहाँ पर हम जीरो कोमा जीरो लेते थे क्योंकि हमारे पास जीरो कोमा जीरो गिवन था, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर, सो वो लेंगे। तो इफ एफ ऑफ फाइव पॉइंट फोर प्लस एच कोमा फाइव पॉइंट फोर प्लस के माइनस एफ ऑफ फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर माइनस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर माइनस के एफ ऑफ वाई ब्रैकेट में फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर इक्वल टू एच एप्सिलॉन वन प्लस के इंटू एप्सिलॉन टू, वेयर एप्सिलॉन वन कोमा एप्सिलॉन टू टेंड्स टू जीरो एच एच कोमा के अप्रोचेस टू जीरो इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर भी हम सिमिलरली डिफ्रेंशिएबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जैसे हमने पहले की थी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो पॉइंट चेंज हो गया है पाई अपॉन फोर हो गया, बाकी सारा जो कुछ जो है सेम ही है। तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू जीरो हो जाएगा अगर एच कोमा के अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज़ इफ़ कोस पाई अपॉन फोर, यहाँ पर क्या बन गया फंक्शन जो हमने पाई अपॉन फोर प्लस एच ये वाली एक्स की वैल्यू ये वाली वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोल कोज एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह पुट कर दिया पाई अपॉन फोर प्लस एच, यहाँ पर वाई की जगह पुट कर दिया पाई अपॉन फोर प्लस के, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कोस एक्स की वैल्यू होगी पाई पॉइंट फोर प्लस एच प्लस फाइव पॉइंट फोर प्लस के माइनस यहाँ पर एफ ऑफ फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर है, तो यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे कोस एक्स की वैल्यू फाइव पॉइंट फोर प्लस वाई की वैल्यू फाइव पॉइंट फोर माइनस एच एज इट इज़। अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, मैं बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। पाई पॉइंट फोर कोमा पाई पॉइंट फोर ठीक है, माइनस के एफ ऑफ वाई ब्रैकेट में वाई पॉइंट फोर कोमा पाई पॉइंट फोर इक्वल टू हो गया एच इंटू एप्सिलॉन वन प्लस के इंटू एप्सिलॉन टू। नाउ एफ एक्स फाइव फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन फाइव पॉइंट फोर प्लस फाइव पॉइंट फोर ठीक है, तो एंड एफ ओ फाइव फाइव पॉइंट फोर कोमा फाइव पॉइंट फोर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस साइन फाइव पॉइंट फोर प्लस फाइव पॉइंट फोर। ये कैसे बना विद रिस्पेक्ट टू एक्स की यार डिफ्रेंशिएशन हमारे पास जो जब हमने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन किया हमारे पास फंक्शन क्या था कोज एक्स प्लस वाई था, तो ये काम पर हमें पता है कि कोज का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन होता है, तो एक्स प्लस माइनस साइन एक्स प्लस वाई बनेगा। तो अगर एक्स प्लस वाई के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वन आएगा, तो हमारे पास क्या बन गया माइनस साइन, यहाँ पर क्या है हम एक्स प्लस वाई का ये पॉइंट हमारे पास वैल्यू है एक्स की वैल्यू फाइव पॉइंट फोर है प्लस
वाई की वैल्यू 5.4 है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो सिमिलरली हमारे पास क्या बनेगा, कोज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इस पॉइंट पर है 5.4 प्लस 5.4, और यहाँ पर वाई का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 बनेगा। सो हमारे पास जो है दैट इज इफ कोज ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/4 प्लस 5/4 करेंगे तो हमारे पास बन गया 5/2 प्लस h + k एज इट इज माइनस कोज 5/4 प्लus 5/4 हो गया 5/2 - h एज इट इज़ f(x) 5/4, 5/4 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस साइन 5/2, 5/4 प्लस 5/4 क्या होता है 5/2 - k एज इट इज़। यहाँ पर क्या है f(y) 5/4, 5/4 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, माइनस साइन 5/2 इक्वल टू h(ε1 + k(ε2) दैट इज़ इफ़ माइनस साइन h + k - 0 + h + k। ये कैसे बना हमारे पास, हमें पता है कि कोस 5/2 + थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, तो हमारे पास कोस 5/2 + थीटा क्या बन जाएगा, साइन 5/2, तो साइन सॉरी साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर कोस 5/2 + थीटा है तो यहाँ से बन गया साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या, साइन एज इट इज आ जाएगा h + k, तो यहाँ पर बन गया साइन h + k। माइनस कोस 5/2 कितना होता है, 0 होता है, माइनस एच को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर प्लस के, साइन 5/2 कितना होता है 1 होता है, माइनस के एज इट इज माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया प्लस के 1, साइन 5/2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस साइन h + k - 0 + h + k यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 बना था, साइन 5/2 1 होता है, यहाँ पर भी 1 बना था, तो ये किसके इक्वल है, h + ε1 + k ε2 के। माइनस साइन जो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बनेगा, साइन एच, यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बनेगा, साइन ए कोज बी प्लस कोज है साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच कोज बी के है, ठीक है। तो कोज ए साइन एच कोज ए की वैल्यू हमारे पास एच है तो एच आ गई, तो साइन बी के बी की वैल्यू के है प्लस एच एज इट इज़ के एज इट इज़ इक्वल टू h ε1 + k ε2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एच की वैल्यू है इसमें से और ये इसमें से एच कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बनेगा यहाँ से एच कॉमन निकाला 1 - sin h cos k / h आ जाएगा प्लस के निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 - cos h sin k / k इक्वल टू h ε1 + k ε2। तो हम इसको दैट इज़ इफ एच ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 - यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एच अपॉन एच इंटू कोज के प्लस के ब्रैकेट में 1 - sin k / k cos h = h ε1 + k ε2। अब हमने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा की अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो सिमिलरली कोज साइन थीटा अपॉन थीटा यहाँ पर भी बन गया, तो यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिमिट हमारे पास जो है एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - sin h / h cos k। एंड अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास k से k कैंसिल होगा और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आएगी 1 - sin k / k cos h। अब अगर हम लिमिट लगा दें तो यहाँ पर हम देयर फॉर लिमिट एच कोमा के अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर लिमिट लगाई एप्सिलॉन 1 इक्वल टू लिमिट एच कोमा के अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी लगा दी 1 - sin h / h cos k, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पर 1 का तो 1 रह जाएगा, साइन एच अपॉन एच का तो मैंने आपको बता दिया कि 1 होता है अगर लिमिट पुट करो तो कोस के अगर कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 cos 0 बन जाएगा यहाँ पर अगर लिमिट पुट करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 एज इट इज, कोस 0 होता है 1 - 1 हो गया इक्वल टू 0 के। सिमिलरली अगर हम एप्सिलॉन 2 पर लिमिट लगाएं एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 तो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट में 1 - sin k / k cos h इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ आगे साइन के अपॉन के की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि 1 होता है अगर लिमिट पुट करो तो, यहाँ पर अगर लिमिट 0 पुट करते तो हमारे पास बनेगा कोस 0, कोस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 यहाँ पर एज इट इज कोस 0 की 1 - 1 - 1 एज इट इज कोस 0 की 1 ना कि 1 - 1 = 0। देयर फॉर बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 टेंड टू 0 एज एच कोमा के प्रोजेस्ट टू 0। सो हमारे पास जो दोनों जो वैल्यूज है 0 होगी अगर जो हमारे पास जो एच कोमा के प्रोजेस्ट टू 0 हो रहा था इंडिपेंडेंटली। देयरफॉर एफ ओ इज डिफरेंशिएबल एट 5/4 / 5/4, तो हमारे पास जो एफ क्या है डिफरेंशिएबल होगी किस पॉइंट पर, 5/4 / 5/4 पर। सो ये था हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने विद एग्जांपल्स आपको समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।